बस रमजान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है कि अपने दिलों को साफ कर लो पहले से, कि जिस दिल में नफरत हो, बोगज हो, किसी के लिए गुस्सा हो, किसी के लिए क्या क्या जज्बे हों, दिल साफ करना। हमारे घरों में रोज़ाना झाड़ू होता है, यहाँ मदरसे में रोज़ाना सफाई होती कि नहीं होती? क्योंकि दुनिया की असल गंदगी है, तो झाड़ू हाथ से नहीं छूट सकता। हरम शरीफ में देखा कैसे चारों तरफ खुद्दाम फिर रहे होते हैं बुरश लेकर। तो दिल पे गुबार ऐसे आता है जैसे सहन में गुबार आता है, दिल पे गंदगी ऐसे आती है जैसे सहन में आती है। तो हमने निज़ाम बनाया हुआ है, लोग मुकर्रर हैं, वो रोज़ाना झाड़ू देते हैं। तुम्हारा दिल एक आंगन है, एक सहन है, इसमें बुग़्ज़, नफ़रत, हसद, पता नहीं क्या क्या गंदगियाँ आएंगी और आती रहेंगी। बच्चों एक काम करो, झाड़ू पकड़ लो, साफ करो। या अल्लाह, मामला तुझसे करना है, लोगों से नहीं। किसी ने बुरा कहा, किसी ने गीबत की, किसी ने गाली दी, किसी ने धक्का दिया, किसी ने हक मारा, किसी ने कुछ किया, या अल्लाह तेरे सपोर्ट, मैंने अपने दिल को सबसे साफ किया, मैंने अपने दिल को सबसे साफ किया। ये इतनी बड़ी इबादत है कि बड़े बड़े नफलों वाले, तहज्जुद वाले, हज उमरे रोज़े वाले तुम्हें नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि इसका करने वाला दुनिया में कोई नहीं। नफल पढ़ने वाले तो बेशुमार हैं, उम्रे करने वाले बेशुमार हैं, उलमा बेशुमार हैं, हाजी बेशुमार हैं, सखावत करने वाले बेशुमार हैं, लेकिन इस टुकड़े को साफ करने वाला लाखों में एक भी नहीं है। मुश्किल काम है, आप ये सीख लो, साफ करो, साफ करो, साफ करो। ये रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी और इल्म को हासिल करने की सबसे बड़ी चाबी है कि अपने दिल को खुला कर लो। कोई चीज़ खाली होगी तो कुछ आएगा। जिस दिल में बुग्ज भरा हो, नफरत भरी हो, हसद भरा हो, कीना भरा हो, उसमें खाक आएगा, उसमें तो इल्म की एक किरण भी नहीं आएगी। उस जबान से चाहे जितने मर्जी मोती बखेरे, दिल उसका अंधा होगा। ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूब अल्लती फिस सुदूर, ये आंखों से अंधे नहीं, दिल से अंधे हैं। तो बच्चों अपने दिल को साफ करना सीखो। वो कितनी मशहूर हदीस है, आपने कहा इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है। तो एक अंसारी साहबी दाखिल हुए, जूता हाथ में, दाढ़ी में वजू का पानी। अगले दिन इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है, तो एक साहबी आए हाथ में जूता, दाढ़ी में वजू का पानी, वही साहबी। अगले दिन इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है, तो वही सहाबी तीन दिन जन्नत की बिशारत लिए। इस सहाबा की जमात में एक शख्स हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। इनसे बड़ा इबादत गुजार सहाबा में कोई नहीं था, ना साबिकीन में, ना मुताखरीन में, ना पहलों में, ना बाद वालों में। इनकी इबादत क्या थी? सारी रात जागना, सारे दिन का रोज़ा और एक ख़त्म कुरान सुबह से शाम तक। इतनी अल्लाह ने ताकत दी थी। फिर वो गुलूब वाली बात आ गई, एक्सट्रीम होने वाली बात आ गई। इनकी शादी, शादी वाली रात हजला अरूसी में दाखिल हो रहे हैं, दुल्हन के कमरे में दाखिल हो रहे हैं और मुसल्ला बिछा के अल्लाह अकबर, और दे नफल। तो उनकी बेगम ने देखा, तो वो भी खैर का ज़माना था, उन्होंने भी वज़ू किया और पीछे मुसल्ला बिछा के वो भी फजर तक नफल पढ़ते रहे। सुबह हुई तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, बेटी रात कैसी गुजरी? कहा, जी माशाल्लाह आपके बेटे तो बड़े इबादत गुजार हैं, सारी रात नफलों में ही गुजरी। तो वो उनको शिकायत कर दी। हज़रत अमर बिन आस को इतना गुस्सा चढ़ा, वो बेटे को तो कुछ नहीं कहा, कितनी हिकमत की बात है, सीधे गए अल्लाह के नबी के पास, या रसूलल्लाह ये अब्दुल्ला देखें कैसा नादान है, उसकी शादी की सारी रात नफल पढ़ता रहा।
तो आप कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी बड़ी बात है, नफलों में गुजर गई, रात भी नफलों में गुजर गई। तो आपने हजरत अब्दुल्ला बिन आमर को बुला के डांटा कि तूने महीने में 3 दिन रोजे रखने हैं, बस इससे ज्यादा नहीं रखने, और हफ्ते में 1 कुरान खत्म करना है। कहा या रसूलुल्लाह मेरे अंदर ताकत ज्यादा है, पर अच्छा 15 दिन रोजे रखने, कहने मेरे अंदर ताकत ज्यादा है। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके घटाते रहे और वो हर दफे नहीं या रसूलुल्लाह मेरे अंदर ताकत ज्यादा है। तो आखिर में आपने कहा अच्छा चलो 100 में दाऊदी पे आ जाओ, 1 दिन रोजा रखो, 1 दिन इफ्तार करो और 3 दिन से पहले कुरान खत्म नहीं करना। तो आपने उसको पीछे किया। ये बैठे थे उस महफिल में, इनके दिल में आया क्या ये बुजुर्ग मुझसे ज्यादा इबादत करते, रात मैं सारी जागता हूं, दिन रोजा रखता हूं, 1 खत्म करता हूं, तो जन्नत की बशारत तो मुझे मिलनी चाहिए थी, इनको कैसे मिल रही। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि ये उनका जज्बा था, लेकिन जो कि मैं उनकी सीरत को जानता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि उनकी नफ्सियात में ये बात आई होगी, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को ख्याल आया कि मैं जाके देखता हूं कि ये बुजुर्ग क्या करते हैं। तो उनके पास पहुंच गए, चाचा जरा, वो अधेड़ उम्र थे, चाचा वो मेरे अब्बा थोड़े नाराज हैं तो कुछ दिन आपके पास गुजार लो। का बेटा बिस्मिल्लाह आ जाओ। अब रात होते ही ईशा की नमाज पढ़ के उन्होंने जल्दी से चादर ऊपर ली और यूं सुराख करके उन चाचा को देखने लगे ऐसे कर कि अब ये क्या सारी रात सजदा करेगा और सारी रात रोते 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 मुसल्ला गीला हो जाएगा, या सारी रात रुकू करेगा, सारी रात क्याम करेगा, सारी रात कुरान पढ़ेगा, इस तसव्वुर से यूं देख रहे। और वो बुजुर्ग साहबी तशरीफ लाए, सराने पे सर रखा, अल्लाह बिस्में का मुँह तो वह आहिया हो गए। अब ये देख रहे हैं अभी उठेंगे अभी उठेंगे अभी उठेंगे, उठे फजर की अजान पे उठे। अब ये तो हैरान परेशान हो गए, ये क्यों, उस जमाने में तो मुनाफिक तहज्जुद नहीं छोड़ते थे डर के मारे कि पता ना चल जाए हमारे कुफर का। तो ये चाचा जन्नत भी ले गया तो सुत्ता भी पिया, कि चलो कल देखूंगा। अगली रात फिर चादर सर पे करके और यूं सुराख करके बैठ लेटे हुए और देख रहे। चाचा फिर तशरीफ ले और सिराने पे सर रखा, अल्लाह अब इसमें का मुँह तो वह आहिया हो गए। फजर की अजान पे उठे, ये और परेशान हो गए कि मेरा नबी का फरमान तो सच्चा है, उसमें तो शक भी कुफर है, लेकिन अमल क्या है जिस पर इसको जन्नत की बशारत मिली। 2 रकात नफल भी नहीं, और आज के दौर में तुम में से माशाल्लाह अक्सर बच्चे तहज्जुद पढ़ते हैं, क्या 1 रात और देखूंगा, तीसरी रात अल्लाह बिस्मे का मुंह तो आई सारी रात। तो तीसरी रात फट पड़े अब्दुल्ला बिन अमर, कह लेंगे चाचा मेरी अब्बा से कोई लड़ाई नहीं थी, 3 दिन मैं तेरे बारे में सुनता रहा, जन्नती जन्नती जन्नती, मैं देखने आया था कि आप क्या करते हैं, आप तो कुछ भी नहीं करते हो, सारी रात सोते रहते हो, आप क्या करते हो। उन्होंने कहा बेटा यही है जो तुमने देखा है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जोड़ कैसे बिठाऊं, इधर जन्नत की बशारत इधर सारी रात खराटे, अब ये इसमें जोड़ कैसे बिठाऊं, क्योंकि नबी की बात तो गलत हो नहीं सकती। तो अब वो ना ऐसे ना बड़े बेदिल से होकर वापस मुड़े, भाई पता नहीं की चक्कर होएगी कोई गल। जब वो दरवाजे तक पहुंचे तो कह लेंगे बेटा इधर आना, वापस आ गए। कहा मैं तुम्हें असल राज की बात बताता हूँ। कह क्या है क्या है। तो यहाँ हाथ रखा, कहा ये जो दिल है ना इसमें किसी इंसान की नफरत नहीं, और जब अल्लाह किसी को रिस्क देता है इज्जत देता है मुझे कभी हसद नहीं हुआ, मुझे खुशी होती। तो अब्दुल्ला बिन अमर ने कहने था हाँ ये बात है, नहीं उनका हाजा हुआ,
उछल के कहने लगे, हाजा हुआ, हाँ 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 यही है यही है यही है। फिर कहने लगे, चाचा पर ये मेरे बस का नहीं है, कौन करेगा ये, इतने बड़े आदमी होकर कह रहे हैं कि ये मेरे बस का नहीं। तो बच्चों, दुनिया में जन्नती बनना है और इल्म अल्लाह से लेना है तो इसे साफ कर दो, सब की नफरत से। सब, उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मुझे यूं क्यों देखा, उसने मेरे बारे में यूं क्यों कहा, उसने मेरे बारे में ये क्यों लिखा, जिसकी तारीफ होती मेरी कितनी बुराई होती, सिर्फ तारीफ तो नहीं होती, भरा पड़ा सोशल मीडिया मुझे गालियां दें। अल्लाह के फजल से मेरे दिल में एक जर्रे के बराबर कभी कोई मनफी जज्बा नहीं आया, आए तो मैं धो के साफ कर देता हूँ, या अल्लाह मैंने अपने दिल को साफ किया, मेरा मामला तेरे साथ है, किसी के साथ नहीं। यही आप रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी, इल्म के हासिल करने का सबसे बड़ा हथियार आपको बस ये नहीं है कि तुम्हें किताबें याद हो जाएं, तुम्हें अशार याद हो जाएं। तो सारी उम्मत से कहता हूँ, रमज़ान का इस्तकबाल करो, दिलों को साफ करके, नफ़रतों को मिटा के, मजहबी नफ़रत, दुनियावी नफ़रत, रिश्तों की नफ़रत, बोल चाल की नफ़रत, सियासत की नफ़रत, लेन देन की नफ़रत, इन सब से अपने दिल को साफ करो, ताकि रमज़ान में अल्लाह ने इल्म उतारा, अल्लाह ताला आपको इल्म अता फरमाए। और बाकी लोग जो हम दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके दिलों में अल्लाह रमज़ान का नूर उतारे और अपने और हिदायत का नूर उतारे, ये सबसे बड़ी तैयारी है इसकी। और किसी से गिला है, गुस्सा है, नाराज़गी है, किसी से बोलते नहीं हो, अभी से शाबान आ चुका है, आप शाबान से रमज़ान की तैयारी शुरू फरमा देते थे, तो उसकी तैयारी क्या है, वे दिलों को साफ करो, माफ़ करो, माफ़ी मांगो, तुम्हारा कसूर नहीं फिर भी माफ़ी मांग लो, दिलों को साफ करो और अपने और अल्लाह से सखावत मांगो, कि अल्लाह को सखी भी पसंद है और साफ दिल वाला भी पसंद है।